आज की मेरी वीडियो सिर्फ और सिर्फ मेरी बेटी के लिए है और मैं उसके लिए ये वीडियो बना रही हूँ। और आप सब इस वीडियो में मुझे अपनी राय और अपने कमेंट्स इनबॉक्स में देंगे और प्लीज़ मैं आपके कमेंट्स का इंतज़ार करूँगी। आप मुझे बताइएगा कि मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि मुझे कुछ नहीं समझ में आएगा मुझे क्या करना चाहिए। तो प्लीज़ 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 आप सब ने मेरी हेल्प करनी है और आप सब ने हमें सपोर्ट भी करना है। और आज की वीडियो में मैं बस ये बोलना चाहती हूँ कि मैं बहुत परेशान हूँ, क्योंकि मानिया रात को इतना रोई और वो भी मोबाइल की वजह से। तो मैं मोबाइल उसे दूँ या ना दूँ मोबाइल मुझे नहीं समझ में आ रहा, क्योंकि वो बहुत छोटी है, अभी वो 1.5 साल की है और वो मोबाइल के पीछे रो रही थी। ये एक सीरियस मैटर है एक माँ के लिए, क्योंकि मैं एज अ मदर ये मेरे लिए बहुत सीरियस मैटर है कि एक छोटे से बच्चे को मैं मोबाइल दे दूँ उसके हाथ में, उसका मुस्तकबिल ख़राब कर दूँ, या मतलब वो मोबाइल में लग जाए। तो मैं ये चाह रही हूँ कि वो मोबाइल में ना लगे, क्योंकि मैं उससे मोबाइल अवॉइड करवाना चाह रही हूँ बिल्कुल। तो लेकिन वो पूरी वो रात के 10-11 बजे तक रोती रही। लेकिन आप सब ने प्लीज़ मुझे अपनी मैसेजेस के ज़रिए मुझे बताना है, अपने कमेंट्स के ज़रिए बताना है कि मैं उसका मोबाइल किस तरीके से छुड़वा सकूँ। अभी भी ये वीडियो मैं छुप के शूट कर रही हूँ, क्योंकि वो बहुत छोटी है और वो मुझसे मोबाइल मांगती है। और इसीलिए मेरी जो वीडियोस हैं दो तीन दिन बाद एक दो वीडियो आती है मेरी, क्योंकि वो मोबाइल पे बहुत ज़्यादा ज़िद करती है कि मुझे मोबाइल पे पोएम्स देखनी। मुझे आजकल ये बहुत ज़्यादा इशू हो रहा है बच्चों के लिए कि बच्चे खाना भी मोबाइल हाथ में पकड़ के खाते हैं या ऐसा करते हैं। तो मुझे ये चीज़ नहीं चाहिए मानिया के साथ। मैं चाहती हूँ कि मैं उसे अच्छा मुस्तकबिल दूँ, और आप सब ने मुझे अपने राय बतानी है मुझे, और मुझे ये भी सजेस्ट करना है कि मैं क्या करूं कि उसका मोबाइल छूट जाए, वो खेल कूद में लग जाए और वो उसकी एक्टिविटीज़ अच्छी हो जाए। ये वीडियो सिर्फ़ और सिर्फ मेरी बेटी के लिए है, और आप सबसे मैं पूछना चाह रही हूं कि मैं क्या करूं, प्लीज़ हेल्प मी। और अगर ये आपको ये टॉपिक जो आज मैंने ये इस वीडियो के ज़रिए आप सबके साथ शेयर किया है, जो जो मेरे घर में प्रॉब्लम है मैंने शेयर की है, तो आपके साथ शेयर किया। अगर आपके साथ भी है तो वो भी आपने मुझे कमेंट में बताना है, और आपने मुझे बताना है कि आपके घर में ऐसा होता है या नहीं होता है, और अगर होता है तो आप लोग क्या करते हैं, क्योंकि मेरी बेटी बहुत छोटी है। और अगर आप हमारी वीडियो पर नए हैं, हमारे चैनल पर नए हैं और ये वीडियो देख रहे हैं, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमें आपके साथ और प्यार की बहुत ज़्यादा नीड है, और अपना प्यार अपने फीडबैक के ज़रिए हमें देते रहें, और प्लीज़ हमें सपोर्ट करें, क्योंकि हमें आपके सपोर्ट की बहुत 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 ज़्यादा नीड है। प्लीज़ 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 इस चैनल को जितना हो सके सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें प्लीज़। और इस इशू को प्लीज़ आप हर किसी के साथ शेयर करें, और कमेंट में मुझे बताइएगा कि मुझे क्या करना चाहिए। और ये भी कि क्या ये दूसरे ब्लॉगर्स के बच्चों के साथ ऐसा होता है जो मोबाइल पकड़ के रखते हैं, जैसे कि सोनिया और गोपाल लोग हो गए, या और भी बहुत सारे ब्लॉगर्स हैं, उनके साथ भी ये मसला होता है, ये भी मुझे बताइएगा फीडबैक में। अगर वो मेरी वीडियो देख रहे हैं तो वो भी मुझे बताइएगा। हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।